दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। बाकी झारसुगड़ा कह सकते हैं वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियल। मम्मी ने सेजवान दिया हुआ है। जी हाँ, कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर। आपसे मिल गए। थोड़ी चालाकियाँ मुझे भी सिखा दे है जिंदगी। इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। सो सलाम नमस्ते, मैं हूँ ऋषि, वन मोर घूमो इंडिया। यहाँ भी आप देख रहे हो पीछे जहाँ नेशनल फ्लैग लगता है वहाँ पे नेशनल फ्लैग दिख नहीं रहा है, कोई नहीं, लेकिन यहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है हटिया। एंड घुमाओ इंडिया। तो आज की जर्नी होने वाली है वन ऑफ द फेमस सिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ रांची। और रांची शहर से ही मिस्टर कूल यानी भारत के पूर्व कप्तान MS धोनी का होम टाउन भी है रांची। आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे हटिया रेलवे स्टेशन। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 02812 हटिया लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन। ट्रेन का फुल डिटेल से बातें करेंगे जर्नी के दौरान। पहले करते ट्रेन में बोर्ड। हटिया रेलवे स्टेशन ये भी रांची शहर में ही आता है। इसका स्टेशन कोड है HTE। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और 8 ट्रेन्स कोरोना के पहले रुकती थी कोरोना के पहले, और 21 ट्रेन ओरिजिनेट होती थी और 21 टर्मिनेट। और इस रेलवे स्टेशन से ज़्यादातर ट्रेनें ओरिजिनेट या टर्मिनेट होती हैं। हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस लगी हुई है, चैनल पर सर्च करें आपको इसका भी जर्नी देखने को मिलेगा। आज की जर्नी होने वाली थर्ड AC में कोच है B1 और सीट है 32। अपर बर्थ। बाकी मैं देख रहा हूँ कोच की साफ सफाई अच्छी है। जनरल में है ना, जनरल को जाके है। सुबह सुबह निकल गया था, होटल पे कुछ खाया भी नहीं था। यहाँ पे मुझे समोसे दिख रहे हैं, अगर समोसे गर्म है तो लेते हैं, और पानी की तो बोतल लेना ही है। वैसे भी ट्रेन बस भैया समोसे गर्म है, हाँ दे देना। कह रहे हैं समोसे गर्म है, दो दे देना, दो एक पानी की बोतल। चलिए सिग्नल हो चुका है और शुरू होती है एक नई जर्नी। जय बाबा भोलेनाथ, यात्रा मंगलमय हो। एक हमारे सब्सक्राइबर मिले हटिया रांची से, प्लेटफॉर्म बैठा था वही भी मुझसे मुलाकात हुई इनकी। क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष भाई हैं और ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से? BIT में।
BIT मिश्रा से। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और नए संजोग देखिए, ये जा रहे हैं रायपुर जा रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ मुंबई, और कोच है एक ही कोच में हम लोग का, बस सीट भी अगल बगल में। चले भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे भी बहुत अच्छा लगा भाई। और बाकी ट्रेन हमारी हटिया से अब रवाना हो चुकी है, लग गई है भाई थोड़ी सी भूख, और जो मैंने समोसे लिए थे अभी उस समय तो गर्म थे, देखते हैं गर्म है कि नहीं, फटाफट उसको फिनिश करते हैं। और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है इस जर्नी में, तो भाई वीडियो स्किप करके देखोगे ना कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। मनीष भाई थोड़ा उदास लग रहे हैं, कह रहे हैं सर कोच पुराना वाला मिल गया हम लोग को। सही में कोच पुराना है, और पावर प्लग भी लगता है कि दो पावर प्लग होगा। चलिए अभी देखा भी नहीं मैंने, देखेंगे बाकी। हमें कोच पुरानी कोच मिल गई मनीष भाई, एक अच्छा हाफ ले लो, एक खाओ ना यार। नहीं नहीं नहीं, बॉडी है तुम्हारी, बस इस बॉडी में आधे में क्या होगा। नहीं नहीं हो गया। और चलिए देखते हैं, समोसे तो गरम है, समोसे क्रंची है, फ्रेश है, टेस्टी भी है, सही है। फुल रफ्तार में दौड़ रही है हम लोग, इसका जो ट्रेन का पहला हॉल्ट है लाल किला, तो 12:10 पे आएगा। तो सोच रहा हूँ वहीं पर, वहाँ पे कुछ लंच का ऑनलाइन लंच मंगाएंगे, और जो जैसा मैंने बताया जी हाँ रेल रेस्टोरेंट से आप कैसे ऑर्डर दें। चलिए मैं आपको ऑर्डर देख करके दिखाता हूँ। प्ले स्टोर से रेल रेस्टो के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जैसा मैंने किया यहाँ पे, उसको चलिए ओपन करते हैं। इसका इंटरफेस है ना, इस तरह से खुल के आता है। इस ऐप में और खासियत क्या है, PNR स्टेटस, ट्रेन शेड्यूल, ट्रेन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, वो सब भी आप देख सकते हैं इसमें। फ्लैट 50% ऑफ, ऑर्डर एवर ₹399, इस तरह का बहुत सारा डिस्काउंट भी ये लोग देते रहते हैं, ये अच्छी बात है। कैसे ऑर्डर करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने इंटर 10-digit PNR नंबर, आपको अपना यहाँ PNR नंबर डालना है, और PNR नंबर चलिए डालते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देना है। देखिए राहुल किला में 12:10 का अराइवल है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है ये देखिए। यहाँ पे टैमरिंड स्काई रेस्ट्रो से इनका टाइप है, होटल MN इंटरनेशनल, सरपाल कैंटीन। तो इस बार कुछ फिश का आइटम ऑर्डर करेंगे, और राइस, चिकन बिरयानी विथ रहता 300, वेज बिरयानी विथ रहता 250, एग बिरयानी रहता, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे नॉन वेज में। सीट कर दीजिए, आपको आउटडोर हो जाएगा प्लेस। और ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है राहुल किला, ट्रेन की पहली हॉल रेल रेस्टो में जो मैंने लंच का ऑर्डर दिया है यही राहुल किला में आएगा। और 163 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है उड़ीसा के इंडस्ट्रियल कैपिटल, जी हाँ राहुल किला। यहाँ पे 12:10 पर टाइम था, 10 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, और बाकी मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है अपना लंच का रेल रेस्टो से, तो इसलिए गेट के पास रहूँगा क्योंकि वो आएंगे हमारी सीट पर, ऐसा नहीं कि वो वापस लेकर चले जाएँ। टाइम देख रहे हैं 11:52, यानी 10:20 बिफोर आई है राहुल किला, तो यानी 20:10 का हॉल्ट, आधे घंटे रुकने वाली है। तो आप यहाँ पे अपने लिए अच्छा कुछ खाने का चीज़ देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं और अपने लिए कुछ अच्छा खाने पीने का चीज़ देख सकते हैं। वैसे बता दूँ इस ट्रेन में पैंट्री कार भी है, आपको पकौड़े, आलू पकौड़े, दाल पकौड़े ये सब मिल रहे हैं, समोसे मिल रहे हैं आपको, बाकी लंच भी मिल रहा है आपको अंदर। मनीष भाई पानी लेके बॉटल खरीदे थे, मैंने कहा वाटर वेंडिंग मशीन है सामने तो यार क्यों पैसे बर्बाद करना, और मैं भी ले लेता हूँ। जहाँ तक स्टेशन की बात है, इन ईयर 1891 में यह स्टेशन ओपन हुआ था, स्टेशन कोड है ROU, 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 100 ट्रेन कोरोना काल के पहले आके यहाँ रुकती थी, 11 ट्रेन ओरिजिनेट होती थी और 10 टर्मिनेट,
जी हाँ, राहुल किला से। और राहुल किला के पास है सुंदरगढ़, जो अपने आयरन और लाइमस्टोन मैंगनीज के खदान के लिए जाना जाता है। थैंक यू। ट्रेन राइट टाइम 12:20 पे राहुल किला से रवाना हो चुकी है। यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। टाइम देख रहे हैं, 1 बज रहा है और वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। और बाकी चले देखते हैं रेल रेस्टो से जो मैंने मंगाया है फिश मसाला और एक जीरा राइस। सही है भाई, एक ग्लास दिया गया है पानी पीने के लिए। ये प्लेट पे आप रख के खा सकते हैं। प्लेट है, कटोरी है, नैपकिन है, ये लगता है जीरा राइस होगा। इसमें है फिश मसाला। चले इसको अनबॉक्स करते हैं दोनों पैकेट को। बता दो, ये मुझे पड़ा है लंच 154 राइस एंड फिश मसाला। और 154 के हिसाब से तो भाई क्वांटिटी अच्छी खासी क्वांटिटी है, एक आदमी के लिए सफिशियंट नहीं कुछ ज़्यादा ही है। ये राइस है, जीरा राइस है और ये फिश है। देखो यार, फिश का साइज देखो, कलर देखो भाई कलर। फिश मसाला, ग्रेवी सही नहीं रहना। बढ़िया, जो मेरा स्टाइल है, जो मज़ा मैं बोलता हूँ ना हाथों से खाने में है, वो चम्मच में कहाँ है यार, उसको बाहर करते हैं और पहले इस फिश को यहाँ से यहाँ रखते हैं। सही में भाई कितना टेस्टी है ना, आज तक लगता है मैंने इतनी ट्रेन जर्नी की है, उसमें से फेवरेट कह सकते हैं मेरा फेवरेट खाना होगा ये नॉन वेज। बढ़िया, सही में बहुत बढ़िया है भाई। जो ग्रेवी है ना, ग्रेवी में टमाटर जो देख रहे हैं उसके टेस्ट को और बढ़ा दे रहा है। जो मैंने ऑर्डर दिया है फिश मसाला या जीरा राइस, अगर ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं रेल रेस्टो का। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ जर्नी करने में, मजा आ रहा है भाई। टाइम हो रहा है 2:25, 2 बजे का टाइम था झारसुगड़ा जंक्शन पहुंचने का। ये है ट्रेन की दूसरी हॉल्ट, लेकिन ट्रेन 20 मिनट लेट पहुंची है। तक हम लोग ने अभी तक हटिया से झारसुगड़ा तक 265 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। जहाँ तक रेलवे स्टेशन की बात है तो यह रेलवे स्टेशन उड़ीसा में पड़ता है और इसका स्टेशन कोड है JSG। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 109 ट्रेन कोरोना काल के पहले आके रुकती थी और 5 ट्रेन ओरिजिनेट होती थी, 5 टर्मिनेट झारसुगड़ा जंक्शन से। बाकी झारसुगड़ा कह सकते हैं वन ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियल सिटी इन उड़ीसा और इसे पावर हाउस ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं झारसुगड़ा को। बाकी हमारी कोच देख रहे होंगे, हमारी कोच सबसे पीछे है, पीछे 2 सेकंड AC के 2 कोच लगे हुए हैं, बाकी सभी कोच हमसे आगे हैं। चलिए बाहर बहुत गर्मी है, अंदर चलते हैं। हाँ, बाकी बता दूँ जो मैंने लंच किया था, जो लंच मंगाया था रेल रेस्टो से, बहुत ही डेलिशियस था, अच्छा था।
आप ट्राई कर सकते हो। इधर आपको गुड्स ट्रेन बहुत देखने को मिलेगा और खासकर कोयले से लोडेड। ₹10 की लेमन टी पेंट्री कार से अच्छी है। बाकी ट्रेन हमारी पहुंचने वाली है बिलासपुर और यहाँ पे मैंने स्नैक्स का ऑर्डर दिया है रेल बिस्ट्रो से। किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंची अपनी चौथी हॉल्ट। जी हाँ, बिलासपुर जंक्शन। 4:55 पे टाइम था लेकिन 6:22 पर आइए, 1.5 घंटे लेट है ट्रेन। थैंक यू। हमारी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी शाम का समय ना, हल्का हल्का लाइट जल गया है। जैसे बताया मैंने, यहाँ पे 15 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे ट्रेन में पानी वानी भरा जाता है, ट्रेन का वॉशरूम हो, ग्लास की साफ़ सफाई होती है, साफ़ सफाई होती है कोच की। बाकी हमारी कोच पुरानी मिली है तो उसका जो अंदर से जो बाहर का व्यू आ रहा ना, वो धुंधला आ रहा है। हमारी बिलासपुर से रवाना हो चुकी है और शाम हो चुका है और स्नैक्स भी आ चुका है। चलिए देखते हैं स्नैक्स में क्या है। मैक्सिमम फूड स्टॉल्स खुल चुके हैं प्लेटफॉर्म पे।
ये स्नैक्स है ना, मनीष भाई के साथ शेयर करेंगे जिनसे मिलवाया था आपको सुबह। तो मनीष भाई आप ही अनबॉक्स करो इसको, आप अनबॉक्स करो। नहीं आप ही करिए भैया। नहीं नहीं आप करो, आप करो, आप करो, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, आप करो, आप करो ना, आप करो। दो चम्मच दे दिया है और दो फॉक है, और उनको लगता मालूम था कि मनीष भाई के साथ शेयर करने वाले, इसलिए दो चम्मच भेज दिया। नहीं चलो बनिया चौमिन है, शेजवान दिया हुआ है भाई, शेजवान की कलर देखो भाई, कलर किसी जबरदस्त लग रही है, और भाई नूडल्स का भी भाई खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई। हम तो रिव्यू करते रहते हैं, बढ़िया है, सही बोल रहे हो या ऐसे ही बोल रहे हो? बढ़िया है, चलो फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं रैंकिंग पे अराइवल। तो कैसा लगा मनीष भाई? बहुत अच्छा, सही में, सही में, अब मुझे बहुत सही में अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था, और जो चिकन था ना बहुत अच्छा से कुक था, सॉफ्ट था, मतलब वैसा लगता थोड़ा सा रबर टाइप में हो जाता है तो वैसा नहीं था, बहुत ही टेस्टी था। सही में आप ट्राई करो, रेल रेस्टोरों पे ऑर्डर दो। किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रेन पहुंची अपनी पांचवी हॉल्ट, जी हाँ, कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर। और अच्छा ये भाई जो हमारे साथ जर्नी किए मनीष भाई, इनका यहीं तक का जर्नी था, बहुत अच्छा भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। वाह, प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आई है ट्रेन, और यहाँ पे टाइम था 6:40 पे, और टाइम देख रहे हैं 8:30 बज रहा है, यानी कम ट्रेन डेढ़ घंटे अप्रोक्स डेढ़ घंटे लेट आई है रायपुर। 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 157 ट्रेन का टोना का के पहले आके यहाँ रुकती थी, 24 ट्रेन ओरिजिनेट होती थी, 24 टर्मिनेट रायपुर जंक्शन से। रायपुर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे यहाँ का लेक्स हो, एंशियंट टेम्पल, बहुत सारा चीज़ है। बाकी चलिए अब ट्रेन का यहाँ पर ज़्यादा देखिए स्टॉपेज नहीं, 5 मिनट स्टॉपेज ट्रेन हमारी रवाना होगी, और मनीष भाई तो बाय करते, मनीष भाई चलो बाय, फिर मिलेंगे। चले मनीष भाई, अच्छा लगा मेरे साथ में जर्नी किए। और रायपुर अपने स्टील टेराकोटा इंडस्ट्रीज के लिए भी फेमस है, फिर हमारी कुछ पल में अब यहाँ से रवाना होगी रायपुर से। हाँ, बाकी जो मैंने स्नैक्स खाया था वो मुझे पड़ा था 164। अब आगे की जर्नी हम लोग देखेंगे, आगे आएगा दुर्ग, गोंडिया, नागपुर, बहुत से रेलवे स्टेशन आएगा, तो वो सब हम लोग कवर करेंगे पार्ट टू में। जिस होप अपने पार्ट वन एंजॉय किया होगा, इसी तरह की दमदार जर्नी जारी रहेगी पार्ट टू में, जो शुरू होगी दुर्ग रेलवे स्टेशन से। और ख़ास बात, और हाँ, उस पार्ट में आपको पेंट्री कार में कैसा खाना मिलता है, मैंने डिनर का ऑर्डर दिया है पेंट्री कार में, तो कैसा खाना मिलता है पेंट्री कार का, वो भी उसका भी रिव्यू करेंगे, कौन सा बेटर है, रेल रेस्ट्रो या पेंट्री कार का खाना, वो आपको देखने को मिलेगा पार्ट टू में। तो पार्ट टू देखना मत भूलिएगा, तब तक के लिए सलाम नमस्ते।